जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के चुनाव में कितनी मजबूत भाजपा? क्या जमात के इंजीनियरिंग आएगी काम? सेंट्रल कश्मीर में कौन मारेगा बाजी? राशिद इंजीनियर किसकी राह में बन रहे रोड़ा? नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों पर प्रचार का शोर सोमवार शाम थम गया। दूसरे फेज में 6 जिलों की 26 सीटों पर बुधवार को मतदान है, जिसके लिए 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इस चरण के लिए 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू रीजन की हैं और पीडीपी के लिए अपने सियासी वजूद बचाए रखने की अग्नि परीक्षा है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से गठबंधन की सत्ता में वापसी का दारमदार इसी चरण पर टिका हुआ है और बीजेपी ही नहीं इंजीनियर राशिद और जमात इस्लामिया का भी इसमें इम्तहान होगा। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण की 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसमें से 233 पुरुष और 6 महिलाएं किस्मत आजमा रही। इस चरण में 25,78,000 मतदाता वोट डालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, आपकी पार्टी के प्रमुख अल्फाक बुखारी और खुर्शीद आलम सहित कई हाई प्रोफाइल नेता की परीक्षा इसी चरण में होने वाली। दूसरे फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू रीजन की हैं। कश्मीर संभाग कंगन और गांदरबल के साथ साथ हजरत बल खानियार और हफका दल के साथ लाल चौक और तमाम जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीटें बनी हुई हैं। वहीं जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो गुलाबगढ़ और रियासी के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी और कालाकोट और नौशेरा के साथ सोनकुट जैसी सीटें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीटें मानी जा रही। जम्मू कश्मीर की 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार मैदान में हैं और पीडीपी ने सभी 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 और कांग्रेस के 6 सीटों पर उम्मीदवार उतरे। भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में सिर्फ 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और निर्दलियों ने 98 सीटों पर ताल ठोक रखी है। जम्मू रीजन की रियासी में 20% चुनाव लड़ रहे हैं और राजौरी जिले में 34% किस्मत आजमा रहे हैं और पुंछ जिले में 25 उम्मीदवार उतरे हुए, जिसके साथ साथ कश्मीर घाटी के श्रीनगर जिले के अंदर सबसे ज्यादा 93 प्रत्याशी और बड़गाम जिले के अंदर 46 उम्मीदवार और गांदरबल के अंदर 21 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमाएंगे। कश्मीर रीजन की सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत सियासी आधार रहा है, जबकि जम्मू क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सियासी आधार माना जाता है। 2014 के विधानसभा चुनाव में दक्षिणी कश्मीर की 15 सीटों में से 7 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और 4 सीटें पीडीपी और 2 सीटें कांग्रेस के साथ एक भारतीय जनता पार्टी और एक अन्य ने जीती थी। जम्मू क्षेत्र की 11 सीटों में से 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और एक कांग्रेस और बाकी सीटें अन्य को मिली थी। इस तरह दूसरे चरण में जीत हुई थी और सीट में बरकरार रखने के लिए चुनौती भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होगी। लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट पर निर्दलीय इंजीनियर राशिद ने चुनाव हारने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की साख भी दांव पर लगी हुई है और इस बार उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बड़गांव दोनों सीटों से मैदान में उतरे हुए, जिसके बाद उनकी राह आसान नहीं है और बड़गांव में इस बार उमर का शिया समुदाय के आने वाले पीडीपी कैंडिडेट सैयद मुंतजिर मेहंदी से नज़दीकी मुकाबला माना जा रहा। तो साथ ही साथ गांदरबल सीट पर इंजीनियर राशिद की पार्टी के कैंडिडेट से करीबी मुकाबले की उम्मीद है और गांदरबल सीट पर उनके खिलाफ जेल में बंद सर्जन अहमद बागे उर्फ आज़ादी चाचा मैदान में उतरे हुए। चैनपुरा सीट पर जेकेपी के अल्ताफ बुखारी और एनसी के मुश्ताक गुरु के बीच में लड़ाई है और कंगन एससी सीट पर मुख्य मुकाबला एनसी के मियां मेहर अली और पीडीपी के सैयद जमात अल शाह के बीच में हो रहा है। हजरतबल सीट की बात की जाए तो एनसी के सलमान सागर और पीडीपी के आसीना नकाश आमने सामने हैं और खानियार सीट पर एनसी के अली मोहम्मद सागर और पीडीपी के तफसुल मुश्ताक के बीच ये फाइट हो रही। हव्वाल कदर सीट पर एनसी के शमीम फिरदौस का मुकाबला और पीडीपी के आरिफ इरशाद लैगूर से होने वाला है और लाल चौक में एनसी के शेख हसन अहमद और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यानी कि जेकेएपी के मोहम्मद अशरफ मीर और भारतीय जनता पार्टी के एजान हुसैन राठौर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है।
जगदेवल सीट पर एनसी के तनवीर सादिक का मुकाबला है और जेकेपीसी के आबिद हुसैन अंसारी से ही सीधा मुकाबला। ईदगाह सीट पर एनसी के मुबारक गुल का मुकाबला पीडीपी के खुर्शीद आलम और निर्दलीय उम्मीदवार फहीम रेशी के बीच त्रिकोणीय माना जा रहा है और सेंट्रल शॉल्टेन सीट पर कांग्रेस के तारिक हमीद कर्रह का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद इरफान शाह से माना जा रहा। बीरवा सीट पर एनसी के फारूक अहमद गनई और निर्दलीय उम्मीदवार सर्जन अहमद बागी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। खान साहिब में एनसी और सैदपुरा भट्ट और जेकेपीडीएफ के हकीम मोहम्मद यासीन के बीच ये मुकाबला। चारार ए शरीफ में एनसी के अब्दुल रहीम राठौर का मुकाबला पीडीपी के गुलाम नबी लोन से है और चंदौरा के अंदर एनसी के अली मोहम्मद डार का मुकाबला पीडीपी के मोहम्मद यासीन भट्ट से। गुलाबगढ़ एससी सीट के ऊपर एनसी के खुर्शीद अहमद का मुकाबला पीडीपी के मोहम्मद फारूक से है और रिहायश सीट पर कांग्रेस के मुमताज अहमद और भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप राज दुबे के बीच सीधा मुकाबला बना हुआ। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बलदीप राज शर्मा और कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह के बीच सीधी लड़ाई। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में काफी कुछ बदला हुआ है और जम्मू रीजन की जिन 11 सीटों पर चुनाव है उन पर डेमोग्राफिक बदल गई। जम्मू के इलाके वाली सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा, तो घाटी की सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ पीडीपी जैसे दलों के बीच मुख्य फाइट। लेकिन इंजीनियर राशिद और अल्ताफ बुखारी की पार्टी भी अहम रोल में है और मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के चलते बीजेपी के लिए टेंशन बनी हुई है। तो वहीं पर पीडीपी के लिए भी अपनी साख बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से गठबंधन का पड़ा दूसरे चरणों में भारी रह सकता है और खासकर कश्मीर के रीजन वाली सीटों पर उमर अब्दुल्ला को बढ़त हासिल करने के साथ साथ अपनी जीत भी पक्की करनी होगी। बीजेपी को जम्मू रीजन में अपनी जीती हुई सीटों को बचाए रखने की एक चुनौती है क्योंकि कश्मीर रीजन में पार्टी को सीट मिलना काफी मुश्किल है। जम्मू की नौशेरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के बीच काफी करीबी मुकाबला माना जा रहा। दूसरे चरण में इंजीनियर राशिद की आगामी इत्याद पार्टी और अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी को भी अग्नि परीक्षा देनी है और इन तीनों सीटों के कई नेता कश्मीर की कई सीटों पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं। अल्ताफ बुखारी भी अपनी सीट पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं और इसके अलावा 1 से 2 निर्दलीय कैंडिडेट भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी रहता है और छोटे दल मिलकर क्या कुछ बड़ा धमाका कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।